अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, होप या फाइन। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़ाज़ क्विकली लाइव। तो आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता, जिसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑफ बटर, और बटर में मैंने 4 टेबलस्पून मैदा डालकर उसको अच्छी तरह पकाया था, क्योंकि मैदे को पकाना बहुत ज़रूरी है। और इस स्टेज पर आपने 5 से 10 मिनट्स इसको अच्छी तरह पकाना है। स्लाइटली सा मैदे का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये इस तरह का कुछ लुक आ जाएगा, तो आपने इस स्टेज पर 1 कप दूध डाल देना है। और दूध की रिक्वायरमेंट आपने इस तरह रखनी है कि आपको जितना लिक्विड चाहिए होगा अपना उतना ही दूध ऐड करना है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, फिर बाद में मैंने इसमें 2 कप्स और ऐड किए थे, ताकि मुझे लिक्विडी सॉस चाहिए थी, लिक्विडी वाइट सॉस चाहिए थी, तो मैंने इसको अच्छी तरह किया। इन गुठलियों को अच्छी तरह आपने मुलायम कर लेना और कुछ इस तरह की पेस्ट रेडी हो जाएगी। अब आपने इसमें 1 टीस्पून ओरिगानो डालना है, 1 टेबलस्पून आपने इसमें चिली फ्लेक्स डालने हैं। अच्छा, ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं आप अपने फ्लेवर के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1 चिकन क्यूब ऐड किया है मैंने, और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि मेरे अच्छी तरह मसाले पक जाएँ। अब हमने इस स्टेज पर इसमें सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड किया टू दी टेस्ट, क्योंकि इसमें पहले ही ऑलरेडी चिकन क्यूब ऐड किया था तो उसमें भी सॉल्ट होता है। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वाइट पेपर। अच्छी तरह आपने पूरे पेस्ट को पेस्टी फॉर्म में बनाना है, कोई भी इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए मैदे की, या फिर कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है, और अब मैं इसमें 1 चीज़ का स्लाइस ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर अब मेरी वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा वाइट सॉस को थिक कर लिया था और ये कुछ इस तरह की वाइट सॉस मेरी रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैंने ऑल पर्पज़ चिकन ऐड किया, जो कि पहले से ही मेरे चैनल पर वीडियो इसकी अपलोडेड है, मैं यहाँ पर आई बटन के थ्रू शो करवा दूँगी, आप देख लीजिएगा। और अब इसमें मैंने 2 कप्स बॉयल पास्ता ऐड किया है, पास्ते के आप कोई भी शेप ले सकते हैं। और अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा मज़ेदार वाइट पास्ता रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, तो ये इफ्तार में बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।